आइलैंड पर फंस चुके हैं जो कि समंदर के बीचों बीच है, और हम अगले 7 दिनों तक यहीं पर फंसे रहेंगे। और वो जो नाव जा रही है वो हमारा यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता थी। हम ऐसा क्यों करते रहते हैं? मुझे लगा मजा आएगा। इतने खूबसूरत होने के बावजूद लोग यहाँ पिछले 250 सालों से टिक नहीं पाए, लेकिन अगले 7 दिनों तक हम वही करने की कोशिश करने वाले हैं। और अंधेरा होने से पहले हमारे पास 4 घंटे हैं। यहाँ बहुत गर्मी है, रहने के लिए कोई जगह बनानी होगी। हम यहीं पर कैंप क्यों नहीं लगा लेते, ये जगह अच्छी लग रही है। तो चलो शुरू करते हैं। हम तीनों जाकर लकड़ियाँ लेकर आएंगे और तुम दोनों कैंप लगाएंगे। हाँ, मजे करना। चलो शॉन, कम ऑन चैंडलर। कैंप कैसे लगाते हैं? मुझे तो नहीं पता। तो हम तुरंत ही काम पर लग गए, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हमारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। इसमें जहरीला रस होता है जो तुम्हारी जान ले सकता है। हम अभी यहाँ पर क्यों खड़े हैं? और इसी बीच नोलन और मैक एक फायर पिट बना रहे थे। मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा बनाया है ना? इसमें भी आग नहीं लगी। हाँ, ये बस आग लगाने की जगह है। और शॉन ने हमारे कैंप के लिए फ्रेम बनाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें यकीन है ये हम पर नहीं गिरेगा? लग रहा है जैसे शॉन हमारे डैड है, ऐसा कह सकते हो। और थोड़ा और सामान इकट्ठा करते करते हमें आसपास कुछ जानवर भी दिखाई दिए। वाह, उन चिकन्स को तो देखो। ए, रुको, इस तरह भागो मत। और हमें जल्द ही पता चल गया कि ये चिकन्स हमसे इतना डर क्यों रहे थे। ए, तुम क्या कर रहे हो? रुको, ये क्या है? ओ, ये एक चाकू है। क्या तुम उन चिकन्स को मारने वाले थे? प्लीज मुझे चिकन खाने दो। हम चिकन्स को नहीं मारेंगे। जिमी, तुमने कल रात डिनर में क्या खाया था? मत पूछो। हमने अपना पहला दिन कैंप बनाने में बिताया जो कि काफी आसान था। अब मैं आपको यहाँ का टूर दूंगा। ये रही आग जहाँ हम खाना बनाने वाले हैं। अब यहाँ और हम यहाँ पर सोने वाले हैं। इसी के साथ टूर खत्म। हम अपने साथ एक सर्वाइवल क्रेट लाए हैं जिसमें है खाना, पानी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक फ्लेयर किसी को चोट लगी तो। और जब तक सूरज ढला हमने लगभग सारा काम निपटा लिया था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। रुको रुको, सनस्क्रीन फ्लेमेबल हो गया ना? पहला दिन खत्म हो गया है और मुझे अभी से सनबर्न हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज मुझे अच्छी नींद आएगी। बस आज बारिश ना हो। कल हमें एक बड़ा कैंप बनाना होगा, और हमसे मेरा मतलब है डैड हमारे लिए एक बड़ा कैंप बनाएंगे। हाँ ठीक। जिमी, तुम मॉम जैसे हो, शॉन डैड। अब मैं चला सोने, अगले दिन मिलेंगे। नींद की पहली रात के दौरान हम खूब करवटें बदल रहे थे, और हमसे मेरा मतलब है मैं। तो अच्छी बात यह है कि हम अगले दिन इसे ठीक करेंगे। दूसरे दिन का मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल है, हमें बनाना है एक बड़ा रेन प्रूफ शेल्टर, बैठने के लिए एक नरम सीट ताकि मेरा पिछवाड़ा ना दुखे, और एक बेहतर फायर पिट। मेरा पिछवाड़ा भी दुख रहा है। हम कुछ लंबी और मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं जिन्हें हम कैंप के ऊपर लगा सके, ताकि बारिश होने पर पानी ऊपर ना जमा होकर इस तरह से नीचे बह जाए। और जब तक हम नए कैंप के लिए सामान जुटाने में बिजी थे, मैक और नोलन बिजी थे सीट्स ढूंढने में। तुमने वो देखा? हाँ। वो ऑरेंज चीज क्या है? हम इसे एक बाउंसी सीट बना सकते हैं। डूड, ये एक बोई है। ओ, यहाँ एक नेट भी है, हम इस नेट से मुर्गियाँ पकड़ सकते हैं। ये कीड़े कहाँ से आ गए? भागो, जान बचाओ। जिमी, हमें एक बोई मिली है, ये मुलायम गद्दा बनेगी। तुमने ये चुराया है? नहीं। क्या इसने ये चुराया? समंदर हमारे पास लाया है। तो ये चोरी नहीं हुई? या, बढ़िया, मुझे ये चलेगा। और बाकी दिन मैं, चैनलर और शॉन कैंप को अपग्रेड कर रहे थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ भी धूप आ रही है, शायद इसीलिए क्योंकि सूरज नीचे है। करीब 90% यहाँ पर छाव ही रहेगी। मैक और नोलन नारियल तोड़ रहे थे। ठीक है, संभल कर, चाकू बहुत बड़ा है। ये तो बढ़िया है। और ऑफ कोर्स चिकन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ए, चिकन्स, भागो, भागो, भागो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने उनकी जान बचाई। दूसरा दिन खत्म होने वाला है, तो तुम सबको कैसा लग रहा है? मैं थक गया हूँ लेकिन मजा आ रहा है। नोलन, बहुत ही बढ़िया। शायद हम इस बात से सहमत होंगे कि हम उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इस रात हमारी हालत बद से बदतर होने वाली थी। मगर अभी के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हम समंदर में क्यों हैं, तो चैनलर को देखो, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही नहा सकते हैं। बाकी पानी खाना बनाने में और डिहाइड्रेशन से ना मरने में काम आएगा। जानते हो मैंने यहाँ क्या नोटिस किया? क्या नोटिस किया? हमारे पास 10 पानी के कार्टन्स थे और अब सिर्फ 6 बचे हैं। आज दूसरा दिन है। जानता हूँ, यहाँ पर सबसे मैच्योर होने के नाते मैं कहूँगा कि यहाँ सभी को पानी थोड़ा सा संभल कर इस्तेमाल करना होगा। हाँ, सही कहा। रुको, तुमने अभी क्या कहा? शॉन, थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, सॉरी। काफी रात हो गई है, सोने चलते हैं। अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो ये वही मैक है जो ये वाली और ये वाली वीडियो में हारा था। यानी इसने इस चैनल पर पिछले 2 महीनों में करीब $1.5 million हारे हैं। यार, ऐसा इंट्रोडक्शन कौन देता है? हालांकि हमने अपना कैंप अपग्रेड किया था, दूसरी रात पहली रात से भी ज्यादा बेकार थी। हम नहीं जानते थे, लेकिन ये आइलैंड कीड़े मकोड़ों से भरा पड़ा है जो रात भर हमें काट कर परेशान कर रहे थे। और पता नहीं क्यों, लेकिन चैनलर और मुझे सबसे ज्यादा परेशानी हुई। मुझे कल रात बिल्कुल नींद नहीं आई।
शायद ये मेरी अब तक की सबसे बेकार रात थी। देखो सिर्फ मेरे हाथ पर कितने काटने के निशान हैं, देख रहे हो? और जब तक हम अपनी नींद पूरी करने की कोशिश में थे, आप समझ ही सकते हैं कि बाकी तीनों बिना किसी देखरेख के क्या कर रहे होंगे। चलो मुर्गियां पकड़े, नहीं चलो मछली पकड़े। तो कल वहाँ इस बीच के उस कोने में मुझे और नोलन को एक नेट मिला। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गियों के लिए जाल। प्लान ये है कि हम यहाँ एक बड़ा नेट बिछाएंगे, उसे ऊपर रस्सी से बांधेंगे और फिर बूम, फंस गई मुर्गी। चलो चलो। अब अगर मैं जाग रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता, लेकिन ये देखते हुए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं मरने वाला हूँ, बॉयज के मन में जो आ रहा था वो कर रहे थे। नेट बहुत मजबूत है, क्या ये लो हो गया? इन्होंने करीब 30 मिनट नेट को परफेक्ट स्क्वायर में काटने में लगा दिए, फिर इन्होंने रस्सी को पेड़ की डाली के ऊपर फेंका, नेट को चारों कोनों से बांधा और ये तैयार हो गया। ये तैयार है, ये काफी अच्छा है। फिर जाल के ऊपर चारा रखने के बाद वक्त आ गया था चिकन पकड़ने का। ये क्या है? मुर्गियों को पकड़ने वाला जाल। मुझे वो रस्सी दिखाओगे? सॉरी नहीं दिखा सकता। तो इतने वक्त से तुम सब यही कर रहे थे? हाँ। मुझे लगा तुम लोग कोई ढंग का काम कर रहे होंगे। सच कहूँ तो मुझे बस ये सब वक्त की बर्बादी लगी, क्योंकि इनके अगले 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने में बीते। लेकिन पता नहीं क्यों मैक हार मानने को तैयार ही नहीं था, और आखिरकार थोड़ा और इंतजार करने के बाद ये चिकन तो काफी शांत है। हाँ। ये हमारा नया ब्रायन है, उस राफ्ट वाले पंछी की याद में। पता है तुमने इसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है, मुझे यकीन है कि अगर तुम इसे नीचे रखोगे तो ये भागेगा नहीं। नीचे रखो। ब्रायन को नीचे रखते हैं। ब्रायन, ब्रायन। नहीं ब्रायन, तुमने ब्रायन के साथ क्या किया? वो तो हमारा दोस्त है ना। हाँ, लेकिन मैंने उसे धोखे से पकड़ा था तो। और जब तक हमने ब्रायन को पकड़ कर वापस आजाद किया, यहाँ का तापमान काफी गिर चुका था, जिससे हम सबको इतनी ताकत मिल चुकी थी कि हम एक एडवेंचर पर जा सके। मेरे पीछे वो आइलैंड देख रहे हो? हम वहाँ पर जाने वाले हैं मैक। चलो चले। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, इतने अच्छे आइलैंड को छोड़कर हम समंदर के बीच एक चट्टान पर क्यों जा रहे हैं? और सच कहूँ तो मुझे इसका जवाब नहीं पता। इस सबका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है हम ये सिर्फ बोर होने की वजह से कर रहे हैं। हम पानी और अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैक तुम क्या कर रहे हो? यहाँ नीचे कितनी सारी मछलियाँ हैं। सच में? हाँ, यहाँ एक स्टिंगरे है, जरा इन मछलियों को तो देखो। वो लहरें काफी बड़ी लग रही हैं और वो हमारी तरफ ही आ रही हैं। ओके, ये आई बड़ी लहर। बस पहुंच गए। देखो हमारे पीछे आइलैंड दिख रहा है और हम यहाँ पर हैं। जरा देखो तो दोनों तरफ पानी कैसे टकरा रहा है, ये चट्टानें बहुत फिसलन भरी है। हम ऊपर जा रहे हैं। ओह गॉश, ये तो कमाल का है। वाह क्या नजारा है। हमने कर दिखाया, पता नहीं ये क्यों किया पर कर दिखाया। अब नीचे कैसे उतरेंगे और वापस आइलैंड पर कैसे जाएंगे? जल्दी नीचे उतरना है तो कूद जाओ। मैं नहीं कूदने वाला। सूरज ढलने के कुछ घंटों पहले ये बारिश की बूंदें थी। हमने नोटिस किया कि एक आंधी हमारी ओर बढ़ रही थी। हम आइलैंड पर पहुंच गए, फोरकास्ट ने कहा कि आज बारिश नहीं होगी, लेकिन सामने विशाल बादल है तो हमें तैयार होना होगा। चलो बॉयज, जल्दी से ठीक करो, चलो हट को फिक्स करो। ओ नहीं, बारिश हो रही है। सामान को बचाओ, जितने ज्यादा पत्ते ला सकते हो लेकर आओ। चलो और पत्ते लाओ। और सूरज के ढलने के बाद हम अपने नए और बेहतर कैंप में बैठे और बारिश के खत्म होने का इंतजार किया। और सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ इतना अंधेरा है कि हम ये भी नहीं देख सकते कि बारिश कितनी करीब है। लेकिन हमारा नसीब बहुत अच्छा निकला, तूफान हमारे आइलैंड के बगल से निकल गया। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आगे इस वीडियो में हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं होगा। क्या करें, बारिश हो रही है। बारिश बहुत है तो इसे पकड़ने में मदद करो। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऐसा लग रहा है ये मंडे का असर है। आइलैंड पर 4 दिन बिताने के बाद हमारा सुबह का रूटीन कुछ ऐसा हो चुका था। पहले हम उठकर शिकायत करते हैं कि हमारी नींद कितनी बुरी थी। मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और फिर हम बाथरूम जाते हैं, कभी कभी साथ में। तुम लोगों के साथ सुसु करने में डर लग रहा है। और फिर एक बार और इंस्टेंट फूड खाएंगे। हम सब इंस्टेंट फूड खाकर तंग आ चुके हैं, तो मान लो कि हमारे पास एक उपाय है। ठीक है, मेरा साथ सिर्फ यहीं तक था, मजे करना। ओह माय गॉड, ये सब बस कुछ मछलियों के लिए। आपको मछली ढूंढने के लिए बहुत बहुत दूर जाना होगा। मछलियाँ इस हल्के नीले पानी में नहीं रहेंगी, वो वहाँ उस गहरे नीले पानी में होंगी। तो या तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया या फिर बहुत बुरा। शायद बहुत बुरा। प्लान थोड़ा खतरनाक था लेकिन काफी सिंपल भी। मैक एक इंसानी मोटर बोट के रूप में काम करेगा और शॉन और नोलन को समुद्र के गहराई तक खींच कर लेकर जाएगा। और क्योंकि शॉन सर्वाइवल में हम सबका डैड है, वो उन मछलियों को पकड़ कर हमारे खाने के लिए वापस आइलैंड पर ले आएगा।
रस्सी को पकड़ा है ना? और मैं लगभग 500 फीट की रस्सी भी लाया हूँ जिससे वो बंधे हैं, तो अगर उन्हें मदद चाहिए होगी तो हम उन्हें खींच लेंगे, है ना चांदला? हाँ। क्या Go from Papa to Super Papa in 10 minutes. Get feta cheese in 10 minutes on Swiggy Instamart. रस्सी और बची है? हाँ, काफी रस्सी बची है। मैक, तुम ठीक हो? हाँ, मैक उन्हें सचमुच खींच रहा है क्या? हमें रस्सी खोल देनी चाहिए मैक, क्योंकि ये फालतू का वजन है। उम्मीद है तुम्हें इसका पछतावा ना हो। अब हमारे पास रस्सी नहीं है और देखो हम बीच से कितनी दूर हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें सी सिकनेस ना हो। ओ, उस आंधी को देखो। क्या वो आंधी है? दोस्तों, हमें जल्दी करना होगा। वो बारिश है? हाँ, बारिश है। मुझे लग रहा है कि ये रस्सी कहीं से टूट चुकी है। ओह नो। जानते हो हम क्या कर सकते हैं? मछली पकड़ कैसे शुरू करें? वो अभी पानी में है। गाइस, रस्सी खुल गई है। तुम्हें मछलियाँ दिखाई दे रही है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा अभी तक तो। नहीं, हमारे पास रस्सी है। क्या कर रहे हो? मछली मिल गई। पकड़े रखो, पकड़े रखो। ये पकड़ लिया। ये देखो। और 2 घंटे की मेहनत के बाद, जिसमें 200 मछलियों जितनी कैलोरीज खर्च हुई होगी, उन्होंने पकड़ी सिर्फ एक ही मछली। इसे खा सकते ना? हाँ बिल्कुल। ये किसी सुपरमार्केट से लाई हुई मछली की तरह है। तुम जानते हो ना सुपरमार्केट में मछलियाँ कहाँ से आती है? कहाँ से? समुद्र से। और हालांकि ये समुद्र से मिली हुई मछली काफी अच्छी थी, वक्त आ गया था कि हम कुछ ढंग का खाएं। स्मोर्स। सबसे पहले अपनी छड़ी से बैक्टीरिया को जलाकर मारो। ओ, मुझे ये पता ही नहीं था। लगता है तुमने पहले भी स्मोर्स खाए हैं। मेरी खुद की एक चॉकलेट फैक्ट्री है। मैक, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे यार नहीं। फीस्टेबल्स चॉकलेट को लेकर उसे इस तरह से दबाओ, जब ये गर्म हो। अब जरा देखो, हमारे नए फीस्टेबल्स बार्स ट्राई करिएगा। लोगों को ये इतने पसंद आ रहे हैं कि स्टॉक्स खत्म होने लगे हैं। घबराओ मत, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं स्टॉक्स वापस भरने की। आपको पता चलेगा कि स्मोर्स को फीस्टेबल्स बार्स के साथ खाने में कितना मजा आता है। हमारी किस्मत तो देखो, जैसे ही हम सोने गए बारिश शुरू हो गई। ऐसा क्यों है कि सर्वाइवल वीडियोस बनाते वक्त बारिश सिर्फ तभी होती है जब हम सोने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कहूंगा हमारा 4th दिन पूरी तरह सफल रहा। हां सही कहा। मैंने चिकन पकड़ी और मैंने मछली। बस और 3 दिन की बेवकूफी। मैं अभी अभी उठा हूँ, पता नहीं कौन सा दिन है। आज दिन है 5वां। ये मैं कहने वाला था। हमने साइलेंट को इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पुराने घर या खंडहर हैं। आप इन्हें जो चाहे बुला सकते हैं। और हालांकि वो इस पहाड़ के ऊपर है, मैं कहता हूँ कि आज हमें वही एक्सप्लोर करने चाहिए। मैं तैयार हूँ। पर मैं नहीं। और जब सब खंडहरों को देखने के लिए तैयार हैं, मैं चाहता था कि ट्रैकिंग शुरू करने से पहले हमारा पेट खाली ना हो। और जब हम अपना इंस्टेंट फूड खा रहे थे, नोलन को बीच पर कुछ बहुत ही लजीज दिखाई दिया। वो देखो वहाँ पर। क्या है वो? वो एक बकरी है। ऐसा नहीं हो सकता, एक बकरी है। मैक, तुम उसे नहीं खा सकते। तुम मुझे नहीं रोक सकते। नहीं। भाग जाओ बकरी। ये नहीं। भाग जाओ बकरी, निकलो यहाँ से। यस। तुमने ऐसा क्यों किया? वो हमारा दोस्त है। नहीं, वो हमारा खाना था। एक बार फिर जिमी ने मेरे खाने को डरा दिया। और मैक से एक और जानवर को बचाने के बाद वक्त आ गया था खंडरों को देखने का। ठीक है, चलो चले। पानी लगभग खत्म हो चुका है, मुझे एडवेंचर पर जाने के लिए पानी चाहिए। वापस आने तक मैं इन्हें नारियल पानी से भरने की कोशिश करता हूँ। चलो चले। चलो। चलते रहो, मैं बस आ ही रहा हूँ। ये लोग ये नहीं जानते कि मैंने पहाड़ की चोटी पर इनके लिए एक सरप्राइज रखा है, आपको जल्दी पता चल जाएगा। तुम्हारा इस तरह कैमरे से अकेले में बात करना थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे तुमने $1.5 मिलियन खोए। अरे हाँ, मेरे पीछे आओ। जिमी, मुझे तो पर भरोसा है। एक सेकंड के लिए लगा यही वो पहाड़ है, लेकिन अब तक हमने पहाड़ चढ़ना शुरू भी नहीं किया है। और जब तक हम ये पहाड़ चढ़ रहे हैं, मैं बॉयज को वेस्टर्न यूनियन के बारे में बताता हूँ। वेस्टर्न यूनियन की मदद से आप कहीं भी रहकर अपने परिवार और दोस्तों को पैसे भेज सकते हैं। हम ऊपर जा रहे हैं। तुम अपना बताते रहो जेम। नहीं, रुको मेरे लिए। हम वहाँ ऊपर तक जा रहे हैं। आपको बता दूं कि वेस्टर्न यूनियन का एक फ्री वेबसाइट और ऐप भी है जो सिंपल और सिक्योर है। तो मेरी दादी भी इस्तेमाल कर पाएगी? तुम्हारी दादी भी। मैक, मैंने वेस्टर्न यूनियन का इस्तेमाल करके उस आदमी को पैसे देने में संभल कर चलो। मुझे एक सेकंड दो। वेस्टर्न यूनियन, जिस बोट की मदद से हम इस आइलैंड पर आए थे, हमने उसके पैसे भी वेस्टर्न यूनियन की मदद से दिए। क्योंकि ये 10 साल से चल रहा है, मैं जानता हूँ मेरे पैसे पहुँच गए, भले ही मैं US में रहता हूँ। देखो हम अपने बीच से कितनी दूर आ गए हैं। वो देखो, क्या वो एक रेनबो है? वहाँ रेनबो है। ओ हाँ, मजा, क्या नजारा है। मुझे तुम लोगों को निराश नहीं करना, लेकिन वो बारिश के बादल हैं। वो बड़ा बादल, वो जल्द बरसने वाला है। तुमने हमें निराश कर दिया। ए, यहाँ से शॉन दिख रहा है। डूड, वो कैंप बना रहा है और साथ ही डिनर भी। मैं उन्हें देख सकता हूँ। उसने सुन लिया। बहुत बढ़िया। बुद्धू हो तो हाथ हिलाओ।
वो वेव कर रहा है। क्या इस रास्ते से वापस आने पर अंधेरा होगा? हाँ। हम देखेंगे कैसे, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अगर कोई यहाँ से फिसला तो बहुत बुरा होगा। तुम ठीक हो? ठीक हो? मैं जिंदा हूँ। आपको वो दिख रहा है? बॉयज कम ऑन, यहाँ पर आ जाओ, थंडर में स्वागत है। ये तो वाकई कूल है। यहाँ पर एक येलो बॉक्स क्यों पड़ा है? हाँ, क्या है ये चीज़? अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। मैंने कुछ लोगों को वेस्टर्न यूनियन के जरिए $10,000 दिए ताकि वो इसे यहाँ लाए। सच में? नोलन तुम्हारे बैग में क्रोबार है। क्या लगता है इसमें क्या होगा? पिज़्ज़ा? तुम जानते थे हमारा पानी खत्म हो जाएगा तो तुम इसमें एक्स्ट्रा पानी लाए। और इसे खोलते खोलते वेस्टर्न यूनियन ऐप को डाउनलोड या उस पर साइन अप करने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। आपका पहला ट्रांजैक्शन है फ्री। westernunion.com/mrbeast पर जाइए। मैं जानता हूँ मैं इसमें एक्स्ट्रा खाना और पानी भर सकता था, लेकिन मैं उससे भी बेहतर चीज लाया हूँ। मैं कैसे देख कर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? इसमें तुमने $800,000 हारे थे, इस तस्वीर में तुमने $700,000 हारे थे। ब्रो क्यों ये सब तुम देखना? एक सेकंड, चिंता मत करो। अब मैंने ये मैक के पैसे हारने पर उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं किया है। सच में? क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम वही कर रहे हो। मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें जीतने का एक और मौका दे सकूं। ये झूठ है। लेकिन ये आखिरी मौका होगा। मुझे तीसरा मौका दे रहे हो? एक आखिरी मौका। मुझे एक और मौका मिला। अगर तुम हमारा लास्ट वीडियो देखो तो कमेंट्स बोल रहे थे मैक को वापस लाओ वापस लाओ। उम्मीद है तुम जीतोगे। मुझे एक और मौका मिला। मौके से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ कुछ खंडर है, तो चलो जाकर देखते हैं। एक और मौका मिल गया, फिर से आपको निराश नहीं करूंगा। ये इमारत लगभग 100 साल पुरानी है। क्या 100 साल पहले इसे बनाने वाले ने सोचा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स इसे देखने के लिए आएंगे? वाओ, ये तो डरावना है। वहाँ ऊपर एक कैक्टस क्यों है? क्या कैक्टस वहाँ ऊपर चढ़कर पहुँचा या फिर किसी ने उसे वहाँ पर लगाया है? कैक्टस ऊपर कैसे चढ़ पाएगा जिमी? उसके पास टांगे नहीं है। ओह माय गॉड। चलो अब दूसरी तरफ जाकर देखते हैं, वहाँ पर कुछ और खंडहर है। ये कितना अद्भुत है। जरा देखो ये पेड़ कैसे इन पत्थरों के चारों ओर लिपटा है। क्या गैंग को यहाँ पर मजा आ रहा है? क्योंकि मुझे तीसरा मौका मिला। हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है खैर इसे छोड़ो, क्या तुम दोनों को मजा आया? नहीं। उस बॉक्स में पिज्जा नहीं था तो नहीं। इस समय तक आइलैंड पर 5वें दिन का सूरज डूब रहा था और अपने कैंप वापस जाने से पहले हम सबसे ऊपर वाली चोटी पर चढ़े नजारे का मजा ले रहे। दुनिया में और कोई नहीं है जिसके साथ मैं पहाड़ चढ़ने का मजा लेना चाहूंगा। थैंक यू ड्वेन द रॉक जॉनसन को छोड़कर। हाँ सही है, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं। दोस्तों एक बात कहूँ, मुझे ये पल हमेशा याद रहने वाला है। मुझे भी, मुझे लगता है इस नजारे ने यात्रा को सफल कर दिया। डैम साफ हो गया, अब ये बारिश से भी बचा रहेगा। नारियल पानी, खाना तैयार है और पानी भी ज्यादा है। काफी अंधेरा हो गया है, मेरा मतलब आप इसे जंगल में देख नहीं पाएंगे। पता नहीं वो लोग पहाड़ के ऊपर से इतने अंधेरे में जंगल से होते हुए यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ये रात में और भी ज्यादा डरावना है। आओ कैक्टस। आओ। तुम ठीक हो? मुझे कांटा चुभ गया। लेकिन हम नहीं जानते थे कि रात के अंधेरे में कांटों का लगना हमारी सबसे बड़ी परेशानी नहीं थी। आगे जाकर हमारा रास्ता खत्म हो गया, जो कि जंगल के बीच होने की वजह से थोड़ा ज्यादा भयानक था। ये रास्ता कौन सा है, इस तरफ जाना है या उस तरफ? रुको, मुझे 3 अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। ये देखो, ये एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक रास्ता यहाँ भी है। या फिर मैं मुझे नहीं, नहीं लगता कि मेरे पीछे आओ। दोस्तों मैं एक रैंडम रास्ता चुनूंगा, मेरे पीछे आओ। शायद लेफ्ट वाला रास्ता सही है। यही रास्ता है। चटक नींबू कटक नींबू। हाँ बारिश शुरू हो गई। अब हमारा नसीब बहुत अच्छा था क्योंकि जंगल में खो जाने के ऊपर बारिश भी शुरू हो गई थी। क्या तुम्हें यकीन है ये रास्ता सही है? जिमी इस तरफ आओ। किस तरफ जा रहे हैं? कहा था कि लेफ्ट की तरफ चलो। आओ मेरे साथ। तुम कितने श्योर हो? मैं 10% श्योर हूँ कि यहाँ से जाओ। मुझे लगता 90% बेहतर होता। तुम 90% श्योर हो? जल्दी डिसाइड करो, क्या बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है? जाओ, बारिश हो रही है। क्यों ना हम पहले चुनकर फिर रास्ता बदल दें? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओ दोस्तों ये बहुत बुरा है, यहाँ बहुत फिसलन है। मुझे नहीं लगता कि हम इस रास्ते से आए थे। मैं मुंह के बल गिर जाता। और हमें लग रहा था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बारिश के बीच जंगल में खोने के अलावा एक तीसरी मुसीबत भी थी जिससे हमें बचना था। तुम्हारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है, बारिश की बूंदे इस पर से जहर लाकर तुम्हारी स्किन जलाएगी। डेथ एप्पल सैप से जरा बचकर, क्योंकि अभी बारिश हुई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? जहर को अपने ऊपर गिरने मत दो। मैं 10,000% श्योर हूँ कि यही वो एप्पल ट्री है। मतलब हम करीब हैं। हमने सही रास्ता चुना हो या ना हो, हम ये तो जानते थे कि हम कैंप के बहुत करीब हैं। ये रेत, यहाँ रेत है। शुक्रिया। हम पहुंच गए। कैंप वहाँ पर है और हमारे पास शॉन को डराने का एक मौका है। क्या हम उसका फायदा उठाएंगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है। ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया। हम पहुंच गए, हम लौट आए। मैंने तुम्हारे लिए खाना और नारियल पानी रखा। ओह थैंक यू सो मच। चीयर्स बॉयज। वाओ स्वाद कोकोनट जैसा। उस ट्रैक के बाद हमने खाया, नहाया और खुद को सुखाते सुखाते हमने थोड़ा वक्त निकालकर तारों को निहारा, क्योंकि समंदर के बीचों बीच होने पर लगता है मानो आप किसी दूसरे ही ग्रह पर हो। लेकिन रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका हम सबको चैलेंज के शुरुआत से ही डर था।
तुम्हें महसूस हुआ? गाइस बैड न्यूज़, कैंप की छत पर बहुत सारा पानी जमा है। मुझे नहीं पता इसके नीचे रहना सुरक्षित होगा या नहीं। इस छत को बेहतर बनाने की हमारी लाख कोशिशों के बावजूद बारिश का पानी इसके ऊपर जमा हो रहा है। पता है इसके ऊपर इतना सारा पानी, तुम्हें क्या लगता है ये नीचे गिर सकता है? और हालांकि हम सबको नींद की सख्त जरूरत थी, हमें उठकर इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। ओह माय गॉड, हम लोग तो तय काम से। मैं इस बारिश की वजह से रात भर बहुत परेशान हुआ, और दो घंटों की लगातार बारिश के बाद एक टूटा हुआ कैंप और गीले बिस्तरों की वजह से मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी आज रात सो पाए। रात में इस तरह पर बारिश होना इन चैलेंजेस का सबसे घटिया हिस्सा होता है। मैं बहुत थक गया हूँ, उम्मीद है बुरा वक्त जल्दी खत्म हो जाएगा। और हालांकि हमारी हालत बहुत खराब थी, हम बस बैठकर इंतजार ही कर सकते थे। मैं झूठ नहीं कहूंगा, पिछली रात की बारिश बहुत भयानक थी। मुझे नहीं लगता मुझे कभी इतनी ज्यादा ठंड लगी। तुम आज क्या करना चाहते हो नोलन? पता नहीं, मैं बस यहाँ लेटा रहूंगा। मैं तो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं कहूंगा, ये जगह बहुत बेकार है। मैं बीमार हूँ और थक भी चुका हूँ, मुझे घर जाना है। अब ये आइलैंड लगता है हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें लग रहा था जैसे ये कोई बुरा सपना है, और छह दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हमारी मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरह असर करने लगा। अब सिर्फ कैंड फूड खाकर धूप में इस तरह ज्यादा वक्त के लिए नहीं घूम सकते। आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता? मुझे अजीब लग रहा है, मेरा सर दुख रहा है और मैं थक गया हूँ। ये साफ है कि अगर हमें ये चैलेंज पूरा करना है तो हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मैं एक पीच कॉबलर ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें एक पीच कॉबलर चाहिए? ओ, मुझे मिल गया। तो सबका मूड ठीक करने के लिए हमने कैंड कॉबलर के ब्रेकफास्ट के साथ शुरुआत की। बढ़िया, नॉट बैड, ये अच्छा है। और ये अनयूजुअल ब्रेकफास्ट खाने के बाद हम वापस पहले की तरह नॉर्मल हो रहे थे। डूड, तुमने ठीक बीच में उसे फेंका। और ये साफ हो गया था कि हम सिक्स्थ डे कैसे सर्वाइव करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ मजे करके। और मुझे एहसास होने लगा, भले ही हम सभी ने बहुत कष्ट सहे हैं, हमने दुनिया की सबसे भारी सीट क्यों चुनी? ये पूरी यात्रा काफी मौज मस्ती और एडवेंचर से भरी रही। हमने कर दिखाया। ऐसे पल ढूंढना बहुत मुश्किल होते हैं, और जब मैं इस चुनौती को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हम शायद बुरे समय को उतना याद नहीं रखेंगे जितना हम अच्छे समय को याद करेंगे। ये काफी कूल है। और हमारी चुनौती का छठा दिन आखिरकार खत्म होने ही वाला था। हम अपनी आखिरी रात को एक बड़ी आग के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये हम सबको जला रही है। हाँ, मैं जला। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है। कल जब हम सब जागेंगे तो चैलेंज खत्म हो चुका होगा। और जैसे ही सातवें दिन सूरज उगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कैंप को क्लीन करते वक्त हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि यहाँ से निकलकर वापस कभी भी नहीं आना है। और जाने से पहले मैं थोड़ा वक्त निकालकर आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इस तरह के वीडियो सिर्फ आपके कारण मुमकिन हो पाते हैं।